ये किस्सा है, जब मैं मेरा पीजी कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस कर रही थी, और जो मेरी गाइड थी, एक बार मुझसे कुछ गलती हो गई थी, किसी प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ हो गया था, और मैं जब अपने घर गई तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगले दिन मेरी बहुत बुरी वाट लगने वाली है और पता नहीं क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगी, मेरे मार्क्स तो नहीं कम हो जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट तो नहीं काट लेंगी, या ऐसा तो नहीं होगा मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूरी रात सोचती रही, मुझे नींद नहीं आई, मुझे मेरा हेडेक होने लग गया, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी सर दर्द के लिए, ये सोचते सोचते कि कल क्या होगा। और सुबह हो गई, और सुबह जब मैं अपने हॉस्पिटल पहुंची और वो मैडम जब आई तो शी जस्ट वॉक्ड पास्ट बाय मी, उन्होंने जिक्र तक नहीं किया कि कल क्या हुआ था। और उस दिन मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मैंने बिना बाती इतनी एनर्जी, इतना समय, इतना टेंशन लिया, दवाई खाई, पूरी रात खराब की उस बात के लिए जिसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये बात मुझे तब क्लिक तो कर गई कि कोई मतलब नहीं है फ्यूचर का या पास्ट का टेंशन लेने का, लेकिन ये बात मैं अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाई। एक मेमोरी की तरह वो मेरे ब्रेन में स्टोर हो गई केवल। उसके बाद भी ऐसा होता रहा कि कई पल आते रहे जहां मुझे घबराहट होती रही, भविष्य को लेके चिंता होती रही, पास्ट को लेके गिल्ट आता रहा, रिग्रेट आता रहा, और ये इमोशंस के बीच में मैं चलती गई। आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं, जागृति में लिविंग इन द प्रेजेंट, ये एक्चुअली यथार्थ रूप में, मूल रूप में मेरे जीवन में तब उतरा जब मेरे हस्बैंड के माध्यम से गुरु कृपा मुझ पर हुई। क्योंकि किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए, बांध के रखने के लिए उसके पीछे ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा जो है वो सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं जो आपके अंदर है। वो किसी संत के माध्यम से हो सकती है या वो सीधी कृपा हो सकती है, लेकिन वो कृपा ही उस चीज को सस्टेन करवा सकती है। जैसे आज जो मैं ये बातें लिख रही हूं, ये जो कैप्शन मैं लिख रही हूं, लिविंग इन द प्रेजेंट, पता नहीं आप लोग कितनी बार सुन चुके हो। हर कोई बोलता है भविष्य की चिंता मत करो, पुराना मत सोचो, कुछ अपने हाथ में नहीं है, लेकिन क्या हम वाकई उसे लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं? कर पाते हो? ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये समझते हैं कि वाकई में पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट का क्या कनेक्शन है, और फिर सीखेंगे कि क्या कोई वाकई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम प्रेजेंट में जीना सीख सकते हैं। एक्चुअली पास्ट तो अब अपने हाथ में है नहीं, और ये एक बहुत सिंपल सी बात है, ना जाने कितनी बार तुम लोग सुन चुके हो। पास्ट का सिर्फ इतना सा अस्तित्व है कि उसमें से जो लेसन है वो निकालो और बाकी फॉर्मेट कर दो। जैसे अपन अपना फोन होता है ना, उसको टाइम टू टाइम फॉर्मेट करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं वो, हाँ, रीसेट करना पड़ता है, जो पुराने ऐप्स हैं जो यूज नहीं कर रहे उन्हें डिलीट करना पड़ता है। ऐसे ही पास्ट जो है उसमें से लेसन लो और कायदे से वो डिलीट हो जाना चाहिए। फ्यूचर जो है वो सिर्फ इतने से काम का है कि अगर भविष्य के लिए कोई आइडिया आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल आइडिया आ रहा है जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ सकता है, तो उसको लेकर काम तो प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा आज उसके लिए। इससे ज्यादा पास्ट और फ्यूचर का एक्चुअली कोई रोल नहीं है। और हम सबसे ज्यादा जो डरते हैं, घबराते हैं, चिंता करते हैं या जीते हैं, वो पास्ट या फ्यूचर में ही करते हैं, जिसका वाकई में अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हमारे 90% डर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर ये बातें कहना एक बात है और ये बात अपने जीवन में उतारना एक बात है। इसको ऐसा समझो कि ये विचार आते कहां से हैं, ये पास्ट और फ्यूचर के विचार आते कहां से हैं। इन विचारों को ऐसा देखो जैसे एक फिश टैंक, एक एक्वेरियम होता है जिसमें मछलियां हैं खूब सारी, और मछलियों को देखना, कोई मछली इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, फिर ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है। आप उससे पूछोगे ना कि तुम यहां क्यों जा रही हो या तुम यहां क्यों जा रहे हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो बस जा रही है, ये उसकी प्रवृत्ति है, ये उसका नेचर है, वो इधर से उधर घूम रही है। ऐसे ही हमारे विचार हमारे पुराने कर्मों के, संस्कारों के आधार पर अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसमें अपने आप को जोड़ लेते हैं, हम अपने प्रेजेंट से उसमें जुड़ जाते हैं, और जैसे ही हम अपना प्रेजेंट उसमें जोड़ते हैं वो विचार शक्तिशाली बन जाता है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने, हम कुछ पूछ रहे थे तब उन्होंने बताया था कि जब आप किसी विचार में खुद को शामिल कर लेते हैं ना तो वो अस्तित्व में आ जाता है, आप उसे शामिल नहीं करेंगे तो वो उसका जितना भी
दरमियान तय की गई है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, वो उतनी देर में अपने आप चला जाएगा। एक बात समझो, इस माइंड को कंट्रोल नहीं करना। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके दिमाग में ये आ रहा है कि अब मैं कंट्रोल करूं कि मैं पास्ट और फ्यूचर का ना सोचूं, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया 2 मिनट के अंदर कि इसका कोई मतलब तो नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, वो हाथ उठाइए। और आप में से काफी लोग तो कोशिश कर भी रहे होंगे, काफियों ने कई मोटिवेशनल वीडियोस देखे भी होंगे इसके ऊपर, अप्लाई करने की भी कोशिश की होगी, 2-4 दिन किया होगा, लेकिन वापस से वहीं आए होंगे। क्या ऐसा हुआ है? हुआ है तो एक बार हाथ उठा के बताओ। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, क्योंकि पीछे पावर नहीं उसे सर्वाइव करवाने के लिए, सस्टेन करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के जीवन की वो पावर क्या है। आप में से अगर एक के पास भी वो आएगी तो इस सेशन को लेने का मकसद पूरा होगा। तो सवाल ये उठता है कि हम उसे सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हैं। हम इसीलिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप माइंड के थ्रू माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अगर आप कीचड़ में गिरे हुए हैं तो आप खुद कैसे निकाल सकते हो? वो तो जो कोई बाहर खड़ा है वो हाथ खींच के निकालेगा ना। हम माइंड के थ्रू माइंड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। विचारों को कभी दबाया नहीं जा सकता, विचारों को रोका नहीं जा सकता, विचारों को सिर्फ देखा जा सकता है। एक विटनेस बनके, एक क्या कहना चाहिए मुझे, एक जैसे चौकीदार होता है ना, एक गेट कीपर, वो सिर्फ लोगों को आते जाते देखता है, वो उनके साथ शामिल नहीं होता। यहां का गार्ड हर स्टूडेंट की जिंदगी में शामिल नहीं होता, वो सिर्फ उसे आते और जाते देख रहा है। विचारों को किनारे पे आकर देखना पड़ता है, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। उसको जज मत करो कि वो अच्छा है बुरा है, गलत है सही है, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखो। ऐसा समझो वो विचार उस फिश टैंक की मछलियों की तरह है जो इधर से उधर जा रहे हैं। बस क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपका उन विचारों से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक साक्षी की तरह उस विचार को देख सकते हैं। एक्चुअली ना ये एक अवस्था होती है, ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप सोच नहीं सकते, मेरा लेक्चर सुनकर आप अपने अंदर वो अवस्था ला नहीं सकते। उस अवस्था के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको आपकी जर्नी करनी पड़ेगी। जैसे एक ही व्यक्ति सो जाता है, हम कहते हैं वो सोया हुआ आदमी है, वही उठ जाता है, वही पढ़ाने लगता है, वही खाना बनाने लगता है, उसकी अवस्था बदल रही है। ऐसे ही मन की अवस्था बदलनी चाहिए। मन की अवस्था कब बदलेगी? जब हम मन को उस अवस्था में डालेंगे जहां हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। किसी को अगर उस चीज का एक्सपोजर ही नहीं दोगे तो वो चीज वो सीखेगा कैसे? तो आपको मन को बार बार बिठाना है। बिठाना मतलब रोकना नहीं है, आपको उसके पास साक्षी होकर बैठना है। उसको वो अपने आप शांत होगा। अपने आप जब उस अवस्था में बार 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 आप जाओगे ना, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। पर ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये किसी का लेक्चर सुनने से नहीं होता, ये उधार नहीं लिया जा सकता। इसके लिए खुद की एक जर्नी करनी पड़ती है। बिना आपका ज्यादा समय लिए हुए सिर्फ 2 बातें कहूंगी, ये प्रैक्टिकल बता रही हूं जो हमारे जीवन में घटित हुआ है। मैंने पहला स्टेप आपको 4x4 टेक्निक बताया था, ऑलरेडी यूट्यूब पर भी इसका वीडियो है और बहुत से स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स रिलेटिव्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स तुम में से भी बहुतों ने मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज मैं एक स्टेप और आगे लेके जाती हूं आपको, और वो है नाम जप। ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये कोई एक नाम की बात नहीं है। नाम जप का मतलब होता है जो भी स्वरूप आपको पसंद है या वो निराकार, जहां से भी आपका मन थोड़ा डूबता है, थोड़ा शांत होता है, उसे अपने अंदर करना, उसे बैठ के करना। हम आज इसको करेंगे, आप मेरे साथ करिएगा। जो नाम आपको पसंद है, वो ओम नमः शिवाय हो सकता है, वो अगर आप किसी को नहीं मानते हैं तो ओम हो सकता है, वो जय माता दी हो सकता है। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती हूं, वो कोई भी स्वरूप जो आपको पसंद है वो हो सकता है। इनफैक्ट आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बताया भी है पिछले कुछ दिनों में, या है उस क्लास में कर रहे हो तुम नाम जब जब आप करते हो ना, इसकी इतनी महिमा है। जैसे आप कहीं जाओ और आप बोलो कि मैं आकांक्षा मैडम का स्टूडेंट हूं, और आकांक्षा मैडम की वहां पर चलती है, तो आपका काम कर देंगे कि नहीं? फटाफट कर देंगे। इसी तरीके से ये नाम जप है।
ईश्वर के नाम को आप कम मत समझो, ये पहली सीढ़ी होती है, ये नींव है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान लगता है। ध्यान नाम के कृपा स्वरूप लगता है। सबसे पहले बिल्कुल प्रेम से प्रार्थना करनी है, अपने आप को उसके शरण में डालना है कि भगवान मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा उद्धार आप ही करो, मेरे को मेरी मन बुद्धि पे कतई जरा सा भी भरोसा नहीं है। इस प्रेम के भाव से, बच्चे के भाव से बैठना है और नाम, जो नाम पसंद है, सांसों का कोई चक्कर नहीं है, नहाने धोने से कोई लेना देना नहीं है, कुर्सी पे बैठो नीचे बैठो कोई लेना देना नहीं है, किसी बात का कोई असर नहीं है, सिर्फ प्रेम से वो नाम अपने को अपने अंदर जपना है। और नाम जपते जपते आज आपको प्रूव करवाऊंगी कि अपने आप आपका मन डूबने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा। वही तो ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, ध्यान लगता है। ध्यान वो कृपा है जो नाम के कारण उतरती है, और वो जो ऊर्जा आती है ना, उससे सब चीजें सस्टेन होती है। वो एनर्जी जो, फिर आपको किसी का मोटिवेशन सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे अपने अंदर एक्टिवेट कर रहे हो। वो इनर कंपस की तरह होती है, वो आपको अपने आप राइट रॉन्ग गाइड करती हुई आपकी जहां जर्नी है वहां ले जाएगी। तो आइए अपन आज नाम जप करते हैं और फिर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? चलिए, नॉर्मल बैठना है अपने को, पीठ सीधी रख सकते हैं आप, इससे अपना थोड़ा सा माइंड शांत होता है। इसलिए आईज क्लोज करना और जो भी भगवान पसंद है, जो भी नाम पसंद है, जो भी मंत्र हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात और, ये नाम बदल भी सकता है। हो सकता है आज मुझे ओम नमः शिवाय करने का मन कर रहा है और कल मुझे हो सकता है राम राम लेने का मन करे, परसों हो सकता है ओम लेने का मन करे, जो आपका जहां मन थोड़ा सा ठहर रहा है। अगर आप निराकार को मानते हैं तो आप ओम का जाप कर सकते हैं, जो यूनिवर्सल साउंड है, और वो नाम लो। मैं भी लेती हूं, आप भी लो, और विचार आएंगे उनको आने दो, जाने दो, उनके साथ जुड़ना नहीं है अपने को। आ रहा है ठीक है, आ रहा है, जिसको आ रहा है आए, जिसको जा रहा है जाए, मैं तो मेरा नाम कर रहा हूं, और पूरे प्रेम के साथ, पूरे भाव, पूरे समर्पण के साथ नाम करते हैं अपन। चलिए, अपनी आंखें खोल सकते हो। कोई शेयर करना चाहेगा कुछ अनुभूति जो हुई हो? रुको, माइक नहीं है ना, मैं वहां आती हूं, बताओ। जैसे लिफ्ट में होता है ना वेटलेसनेस की फील, हमारा वेट कम होता है, वैसा सेम फील मुझे बिना यहाँ बैठे वाले हल्कापन, बिल्कुल हल्का। आपको पता है हमने ये कितनी देर किया है? अभी सिर्फ 5 मिनट। आप इसे 10 मिनट करके देखिए, कोई भी फिजिकल पेन हो, कोई भी इमोशनल हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रेंट हो, ये मैं मेरे और मेरे हस्बैंड की पर्सनल जर्नी से आपको बता रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता वो चीज़ ना हो जाए। इसने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया है कि जैसा लिफ्ट में होता है वैसी वेटलेसनेस फील हुई है। कोई और शेयर करेगा? कई बार होता है रात में, जैसे मतलब अचानक नींद टूट जाती है कच्ची नींद में, उसके बाद बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मतलब मैं इसी तरह मतलब नाम जपता हूँ
पता भी नहीं चलता जो कब नींद आ जाती है, फिर दोबारा सो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहा है कि पता भी नहीं चलता कब दोबारा नींद आ जाती है और सो जाते हैं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करेगा अपना अनुभव निधि? पहले क्या होता था ना कि मतलब हर चीज में फोकस भी नहीं बन पाती थी। 4x4 से तो मुझे बहुत फायदा हुआ है, और अभी एकदम जीरो थॉट प्रोसेस, एकदम रिलैक्स स्टेट में थी। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। और कोई शेयर करना चाहता है इसलिए ताकि दूसरे एनकरेज हो, क्योंकि आपने मेरे साथ ये क्लास में किया है, जो रियल में आपने अनुभव किया? मैम जैसे सुबह सब हम लोग सुबह जैसे ठंडे पानी से जब नहाते हैं तो बॉडी एकदम रिलैक्स फील हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होता है, एकदम काम फेस होता है, एकदम वैसा लग रहा था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? बोलो। जैसे मैम पढ़ाई करते हैं तो थॉट्स आते हैं बहुत सारे। हाँ। ऐसे मतलब इसमें बहुत कम थॉट्स आते हैं। बहुत कम थॉट्स आए, यही तो अपन बात कर रहे हैं कि विचारों को कम करना है टीपीएस, पर वो अपन कर नहीं सकते हैं, वो होते हैं, वो नाम जबकि महिमा से होते हैं। कोई और शेयर करना चाहता है? यस चेतना। कनेक्टिवनेस फील होता है, कनेक्टिवनेस। जो तुम बोल रही हो वो मैं समझ सकती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये अभी हमने सिर्फ 5 मिनट किया है, सिर्फ 5 मिनट्स। एक बात आप ध्यान रखिए, ये जो हम नाम जप कर रहे हैं ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि विचार आना बंद हो जाए, वो किसी के साथ नहीं होता है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन उन विचारों में जो हमारी संलग्नता है, जो विचारों में बहना है, किस विचार को कितना लेना है, उसमें डूबना है, ये फिल्टर होने लग जाता है, और बस वहीं से प्रेजेंट में जीना शुरू हो जाता है, और वहीं से पास्ट और फ्यूचर के अननेसेसरी, जो है ही नहीं, अनरियल डर, इनसिक्योरिटीज, और उसके कारण जो एनर्जी का लॉस होता है वो होना अपने आप बंद हो जाता है। तो 14 फरवरी को बर्थडे वाले दिन आप सबने बहुत सारा लव एंड रिस्पेक्ट दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरे हस्बैंड को, और ये हम दोनों की तरफ से एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट आपके लिए, जो हमारी पर्सनल जर्नी हुई है, पर अब इसको करना है क्योंकि ये आपकी जर्नी होगी, ये आपके और आपके ईश्वर की जर्नी होगी। एंड बिलीव मी, उससे अच्छा सोलमेट, उससे अच्छा साथी, उससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड, पल पल का साथी, 24/7 का साथी, और कोई मिल ही नहीं सकता। सो हम दोनों की तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।